क्या नीरज उस आंकड़े को पीछे छोड़ सकेंगे? बहुत ही बढ़िया नीरज चोपड़ा, लगातार दूसरा एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन। 8.88 मीटर्स का थ्रो, उनका सीजन्स बेस्ट, उन्हें गोल्ड मेडल दिलाता हुआ और अपने 2018 के गोल्ड मेडल के टाइटल को डिफेंड कर लिया है, विश्व चैंपियन। ओ माय गॉड, नीरज द गोल्डन बॉय एक बार फिर नंबर वन पे। वाह भाई वाह यार, दिल खुश करके रख दिया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अगेन चाइनीज के मैदान में, उनके देश में एक बार फिर इंडिया का तिरंगा नंबर वन। भाई जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा यू ब्यूटी। ओ जनाब, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, और ये बंदा भाई साहब पीछे से लिखवा के लाया हुआ है अपनी किस्मत में कि जब भी गोल्ड मेडल के ऊपर कोई मुकाबला होगा वो गोल्ड मेडल मेरा होगा। एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए जो गोल्ड मेडल जीत लिया है, और क्या कमाल का जो थ्रो किया है नीरज चोपड़ा ने। अगर देखा जाए तो जैवलिन में भाई साहब ये बंदा लिखवा के लाया हुआ है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा। दोस्तों, चीन में हो रहा एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है और दूसरे स्थान पर भी भारतीय मुल्के हैं। इस पर पाक मीडिया का रिएक्शन देखे। उनकी हाइप बड़ी चढ़ी हुई है, इंडिया एशिया गेम्स में आग लगा के रखी हुई है, इंडिया ने मेडल पे मेडल जीत रहा है। किशोर कुमार भी आ गए नीरज चोपड़ा के साथ। अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारा बंदा जो अर्शद नदीम था वो खेल ही नहीं सका, लेकिन जो गोल्डन बॉय का नाम दिया गया अर्शद नदीम को, नीरज चोपड़ा को, अली साहब वो आग लगाई भी उन्होंने। दोस्तों, पाकिस्तान अपना दूसरे वार्म अप मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार चुका है, जिस पर पाक मीडिया काफी ना खुश है। आप वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इंडिया की तरफ से जितनी शानदार परफॉर्मेंसेज जो है उनकी जारी है, मैं कहता हूँ उन्होंने कमाल कर दिया। सुपर परफॉर्मेंसेज जो है वो लगातार दिखा रहे हैं और लगातार इंडिया का जो है सर फखर से बुलंद कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जब भी इंडिया को गोल्ड मेडल चाहिए होता है वो कॉल करते हैं नीरज को, नीरज गोल्ड मेडल लेकर जो वो हाजिर हो जाता है। और अब तो मुझे लगता है कि गोल्ड मेडल अलग बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उनके लिए जितना आम सी बात है, जितनी बार हमने यहां से बैठ के उनके लिए गोल्ड 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 रिपोर्ट कर दिया है, मुझे लगता है किसी और एथलीट ने इतनी फास्ट और इतनी तेजी से पिछले कुछ अर्से में गोल्ड। बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि वो इररिप्लेसेबल है इस टाइम, और इंडिया में भी वो छाए हुए नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने 88.88 का मारा, इंडिया 81 प्लस जो मेडल्स है वो अपने नाम कर चुका है। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं है। हम लास्ट में डिटेल में बात की थी कि ये आपके एथलीट कितनी गलती नहीं है, जितनी आपकी हुकूमत की गलती है, जितनी आपकी स्पोर्ट्स फेडरेशन की गलती है। जिस तरह उन्होंने करप्शन के आप कहने बोलबाला किया हुआ है, सारे एथलीट को फैसिलिटी नहीं देते, इवन जो सदर प्रेसिडेंट बने होते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स फेडरेशन के, वो खाने तक एथलीट तक पहुंचाते नहीं है। अगर आप बात अगर नीरज चोपड़ा की हम तारीफ कर रहे हैं तो आप उनकी फैसिलिटीज और अपनी फैसिलिटीज में देखिए अली साहब, जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन आसमान। चोपड़ा यू ब्यूटी, यहीं तक बात खत्म नहीं होती। दूसरे नंबर वाला किशोर कुमार भी इंडिया का, मतलब पहले भी इंडिया, दूसरे पे भी इंडिया, और अभी तक 83 मेडल जीत चुका है इंडिया, और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है भाई जान। 83 मेडल इंडिया जीत चुका है अभी तक। नीरज पहला, किशोर कुमार दूसरा, नीरज का तो मेडल मजाक बन गया, मतलब इतनी आसानी से वो इतनी बड़ी एक्सीलेंस अचीव कर देता है। हम मन लग ही रहे, हमारा अर्शद भी अच्छा था, दोनों के साथ में बड़ा प्यार मिलता है, बड़ा अच्छा है, एक दूसरे के टुवर्ड्स नए ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया, थोड़ा सा दिल दुखी है, कोई ऐसी बात नहीं। नीरज भी अपना है, जिस तरह नीरज की जो है ना अम्मी ने बोला है, नीरज की मदर ने कितनी अच्छी बात बोली है कि अर्शद भी जीतता, वो भी अपना लड़का था। यही चीजें जो इंडिया से प्यार करने पे मजबूर करती हैं। अब देखो राइवल रहे, दोनों मेडल के लिए नंबर वन के लिए लड़ रहे थे, बट नीरज जीता तो नीरज की अम्मी क्या कहती है, मदर के भाई अर्शद भी जीतता, वो भी अपना लड़का था। क्लैपिंग यार, ऐसी सोच में भाई, जब ऐसी मां होती है तो आगे से ऐसा सुपरस्टार चैंपियन बच्चा ही जो है ना पैदा होता है, इस किस्म का नीरज चोपड़ा जैसा ब्रिलियंट। यार नीरज तो इतना आसान कर दिया, चलो नीरज तो एक्सीलेंस है ही है, नीरज तो गोल्डन बॉय है ही है, ब्रिलियंट है ही है। दूसरे नंबर पे किशोर कुमार, वो भी इंडिया का, ये कितनी प्राउड की बात है। और तीसरी बात के 83 मेडल यार, इंडिया 83 मेडल और हम टॉप 10 में भी नहीं है यार। ये देखो, मतलब फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार व्यूज के लिए इंडिया की तारीफ है, मतलब तुम देखो तो सही यार, हम टॉप 10 में भी नहीं है यार। हम ये प्राउड और ये वो, पाकिस्तान बड़ा मुल्क, फलाना मुल्क तो टमकाना मुल्क, अरे टॉप 10 में भी नहीं है हम स्पोर्ट में यार। इधर अभी तो एशियन गेम्स हो रही है, ओलंपिक जो यार, हमारा तो छोड़ो यार, एक हमारा स्पोर्ट है क्रिकेट, उसमें हम कहीं नहीं है, तो क्या मैं
जो अब 88.88 मीटर का जो है थ्रो लगाया और बिल्कुल जो है सबको हैरान करके छोड़ दिया। और अगर देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान का अरशद नदीम जो है, बदकिस्मती के साथ अरशद नदीम जो है वो इंजर्ड हो गए थे और जो है वो रूल आउट हो गए थे, लेकिन वो अगर होते तो कम से कम नंबर दो पे तो आना ही था उन्होंने हमेशा की तरह। लेकिन जो है बदकिस्मती है हमारी और अरशद नदीम की कि वो जो है वो इस मुकाबले से पहले ही जो है वो इंजरी के बायस रूल आउट हो गए थे। लेकिन अरशद नदीम के लिए अब एक और बड़ा मसला जो है ये आ चुका है कि अब सिर्फ नीरज चोपड़ा नहीं बल्कि जो अरशद नदीम है ना उनका मुकाबला भाई साहब किशोर कुमार के साथ भी होगा। जो नंबर दो पे जो बंदा आया ना भाई वो भी इंडिया का है भाई, किशोर कुमार। नीरज चोपड़ा ने 88.88 की जो है थ्रो लगाई है और किशोर कुमार की अगर बात करें ना 87.5 यानी कि नीरज चोपड़ा के क्लोज। तो अब नीरज चोपड़ा तो दूर की बात है, अरशद नदीम को पहले मुकाबला करना पड़ेगा किशोर कुमार के साथ, क्योंकि किशोर कुमार भी जो है वो इस लिस्ट में आ चुके हैं। वैसे अरशद नदीम शायद होते वो नंबर दो पे आ सकते थे, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो उनकी बदकिस्मती या वो नहीं थे और जो है वो अरशद नदीम के न होने के बाद जो किशोर कुमार जो है वो नंबर दो पे आ चुके हैं। और तीसरे नंबर पे जापान के हैं भाई, जिन्होंने जो है वो 82.6 कुछ की लगाई है भाई। और अगर देखा जाए तो इंडिया इस टाइम जो है वो हर जगह पे हुकूमत कर रहा है, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। और ये नीरज चोपड़ा जो है इनको गोल्डन बॉय का नाम वैसे ही नहीं दिया गया भाई साहब, ये बंदा मैं गोल्ड मेडल के अलावा बात ही नहीं करता है। और जेवलन में सबसे बेहतरीन अगर कोई थ्रो करता है ना भाई वो है नीरज चोपड़ा। ये बंदा हमेशा तैयार होता है भाई और गोल्ड मेडल ही हमेशा जो है ये जीत के लाता है भाई।